नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करनेश कौशल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो एक मेरा कमेंट आया हुआ था, मैं आपको दिखाता हूं कि करुनेश भाई कार की विंडो कैसे उतारे और नहाते हैं, इस पर एक वीडियो बनाइए, जल्दी बनाइए प्लीज़। ये कमेंट है प्रणव दास, तो आप लोग देख सकते हैं ये कमेंट, ठीक है। तो कार का शीशा को कैसे हम क्लोज करेंगे और ओपन करेंगे, इसी रिलेटेड आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने वाला बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे कार पे यहाँ पे बटन दिया रहता है, लेकिन बहुत सारे कार पे यहाँ पे भी दिया रहता है बटन, ठीक है। देख सकते हैं विंडो में जो गेट का जो बाहर है उसी यहाँ पे यह दिया गया बटन, देख सकते हैं ये सारे बटन यहाँ पे दिया गया है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, ये सारा फंक्शन इसी की से है, ठीक है। तो इसी रिलेटेड आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम बताते हैं, ये जो बटन है आप लोग देखते हैं, ये है मिरर को एडजस्ट करने का। अगर ये बीच में हम रखते हैं, ये जो नॉब सिंबल दिया गया है, देखिए ये जो सिंबल दिया गया बीच में, इसको अगर हम बीच में रखते हैं तो ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये मिरर को एडजस्ट हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर हम जैसे इसको राइट घुमाएंगे राइट की ओर, तो आप देखिए राइट का मिरर जो है ये वाला राइट, अब इसको हम क्या करेंगे, अगर हम नीचे करेंगे तो ये देखिए नीचे हो रहा है, अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो शीशा क्या होगा, बिल्कुल ऊपर होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम लेफ्ट पे करते हैं, लेफ्ट पे, तब ये लेफ्ट वाला मिरर काम करेगा, देखिए देखिए वो काम कर रहा है, जैसे कि आप इस साइड कर रहे हैं तो वो उस साइड जा रहा सीधा, ठीक है। अगर देखिए हम अगर हम इसको ये साइड करेंगे तो मिरर हमारा जो है वो अंदर आएगा, देखिएगा देखिए बिल्कुल अंदर आ चुका है। और ये है, इसको ये बटन दिया गया है, इस मिरर को जो हम ऑटोमेटिक ये अंदर चलाएगा, ठीक है। ये जो मिरर है बाहर का, तो वो देखिएगा भी ये इस टाइप से हो जाएगा, मतलब ये अंदर चलाएगा। देखिए ये बटन हम अगर दबाते हैं तो क्या हो रहा है, देखिए ये दोनों ही आ गया, ठीक है। इसको और एक बार हम दबाएंगे तो दोनों बाहर की ओर जा रहा है, देखिए, ठीक है। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं दूसरा बटन ये है लॉक और अनलॉक का, अगर यहाँ से हम अनलॉक करेंगे तो गेट हमारा खुल जाएगा, ठीक है, गेट हमारा खुल जा रहा है। और अगर हम लॉक वाले बटन को दबा देते हैं तो ये देख सकते हैं सारा, देखिए यहाँ देखिए एक मिनट, अगर हम लॉक बटन दबाते हैं तो ये क्या हो गया, लॉक हो गया, इसका मतलब अब यहाँ से गेट नहीं खुलेगा, देखिए सारा लॉक हो चुका है गेट। अगर हम अनलॉक करते हैं, देखिए यहाँ से अनलॉक हो गया, ये वाला देखिए फोकस कीजिए, लॉक अनलॉक, ठीक है। अब दूसरा बटन ये है विंडो का शीशा को हम लॉक कैसे करें, अगर इस बटन को हम दबा देते हैं तो क्या होगा, हम शीशा नहीं खोल पाएंगे। देखिए ये जो शीशा है, ये तीन शीशा है, को पैसेंजर के लिए और पीछे दोनों शीशा के लिए, ये क्या होगा, ये शीशा नहीं खुलेगा। देखिए हम इसको हम खोल रहे हैं फिर भी नहीं खुल रहा है, ठीक है, और नहीं खुल रहा है नहीं ये बंद हो रहा है, लेकिन इसको जैसे हम अनलॉक कर देते हैं तो अब क्या होगा, ये देखिए खुलेगा, देखिए ये दबा रहे हैं ये खुल रहा है, देखिए लेकिन हाँ इस बटन को अगर हम लॉक कर देंगे, लेकिन ये हमारा तीनों बटन सिर्फ काम नहीं करेगा, ठीक है, ये तीनों बटन जो है काम नहीं करेगा, लेकिन ये वाला काम करेगा, कैसे देखिए ये काम कर रहा है, बिल्कुल ये काम कर रहा है। तो ये बटन सिर्फ क्यों काम कर रहा है, क्योंकि ड्राइवर को कभी भी काम पड़ सकता है बाहर को देखने के लिए, ये बाहर में कुछ सामान बाहर में, मतलब ड्राइवर के लिए ये फैसिलिटी दिया गया सिर्फ, ये बाद में किए पैसेंजर के लिए नहीं दिया गया, क्योंकि ये सिर्फ स्पेशली इसलिए दिया गया है क्योंकि जब कभी भी बच्चे इस साइड पे बैठते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, कभी भी इस हिसाब को खोलते रहते हैं, क्योंकि इधर भी बटन दिया गया, देख सकते हैं आप लोग ये सारा बटन दिया गया है, चारों सीट में बटन दिया गया है, तो बच्चे क्या करते हैं खुद से शीशा को खोल के मुंडी निकाल सकते हैं, इसलिए फंक्शन यहाँ पे ये दिया गया है। ये बड़ा आदमी के लिए नहीं है स्पेशली, ये सिर्फ स्पेशली ये देखा गया है, बच्चों को देख के ये बनाया गया फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं ये ऑटो यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, ऑटो लिखने का इसका क्या कारण है, ऑटो मतलब हो गया, देखिए हम हल्का से दबा रहे हैं,
तो ये सिर्फ इतना ही खुला, देखिए हल्का सा अगर हम दबा रहे हैं, देखिए यहाँ यहाँ भी देखिए दोनों, देखिए देखिए, तो इसका मतलब अगर हम हल्का सा दबाएंगे तो हल्का हल्का खुलेगा, देखिए। और अगर हम थोड़ा सा इसको प्रेस करके रख दें जिसे, तो ये पूरा ऑटोमेटिक चला गया नीचे। और इसको हम थोड़ा सा उठा के हल्का सा दबा के रखें ऊपर की ओर, तो ये ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, देखिएगा अभी। और इस सारे बटन में क्या है, इसको हमको जब तक ये देखिए यहाँ पे इस तरह कर रहे हैं तो नहीं जा रहा, जब तक इसको हम पूरा दबा के नहीं रखेंगे तब तक ये पूरा शीशा नीचे नहीं जाएगा, और जब तक इसको हम पूरा उठा के नहीं रखेंगे तब तक ये पूरा शीशा नहीं आएगा ऊपर। देखिए मान के चलिए अभी पूरा ये खुला हुआ, ठीक है। अब इसको हम हल्का से उठा के छोड़ देते तो क्या होता, देखिए तो क्या हुआ, आधा शीशा लगा, देखिए। फिर हल्का से उठा के अब रखेंगे, फिर आधा उठा, फिर छोड़ देंगे, फिर रुक गया, फिर हल्का उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे, रुक जाएगा। लेकिन इसको उठा के रखेंगे तो ये उड़ जाएगा पूरा शीशा। तो ये सेम फंक्शन सारा में दिया गया, सिर्फ ये ऑटो वाला फंक्शन इसी में दिया गया, क्योंकि ये ड्राइवर को कभी भी काम आ सकता है शीशा खोलने का, उतारने का, और क्योंकि ये ड्राइवर को कभी भी काम आ सकता है खोलने के लिए और बंद करने के लिए, ये पैसेंजर के लिए नहीं दिया गया फंक्शन। तो यही है, ये बटन इस शीशा के लिए है, और ये इधर वाला बटन इस शीशा के लिए है, वो पीछे वाला लेफ्ट साइड के लिए, और ये राइट बटन पीछे का लेफ्ट साइड राइट साइड के लिए, सॉरी। ये तो ऑटो का फंक्शन आप लोग शायद समझ गए होंगे, अगर हम थोड़ी सी इसको दबा के रखेंगे तो ऑटोमेटिक चला जाएगा, और थोड़ी सी अंदर करके रखें तो ये थोड़ी सी दबा के रखें तो ऑटोमेटिक ये चलाएगा नीचे। मतलब इसको हमको इस तरफ पुश करके रखना नहीं है कि कब उठेगा, क्योंकि ड्राइवर गाड़ी चलाता है ना हमेशा, तो उसको दिक्कत होगा, ये इधर स्टेयरिंग पकड़ेगा या इस हिसाब से दबा के रखेगा इस तरह से, ठीक है। इसीलिए ये फंक्शन हल्का ऑटो दिया गया है कि एक बार हल्का सा पुश कर दीजिए ऑटोमेटिक शीशा खुल जाएगा, उसके बाद अपना कंसंट्रेट कीजिए गाड़ी चलाने में। और ये सारे बटन सिर्फ अगर इग्निशन स्विच आपका ऑन है तभी काम करेगा, ये अगर ऑफ हो जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये अभी ऑन है इग्निशन स्विच, ठीक है। इसको अगर हम ऑफ कर देते हैं तो देखिए ये ऑफ हो गया, अब ये बटन जो है कुछ भी काम नहीं करेगा। देखिए अगर हम इसको उठाते हैं तो शीशा नहीं उठेगा और ना ही डाउन होगा, ठीक है। ये तो ऐसे हालांकि लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको डाउन करेंगे हम तो ये नहीं जा रहा है नीचे में, कोई भी की काम नहीं करेगा, देख सकते हैं। और जैसे इग्निशन को स्विच को हम ऑन कर देंगे तो ये काम करना स्टार्ट करेगा। तो फ्रेंड्स आई होप डैट कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।